सावधान, अगर आपको रात में आपके घर के बाहर कोई हलचल सुनाई देती है तो अकेले घर से बाहर ना निकलें। पहले अपने पड़ोसी सहित रहवासियों को जगा लें, क्योंकि अब रात में सुनसान सड़कों पर पिस्टल और अन्य हथियार लेकर बाइक चुराने के लिए बदमाशों की गैंग निकलती है। ऐसे में अकेले बाहर निकलना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, बदमाशों की गैंग हथियारों से लैस होकर रात में घूम रही है, जो बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे रही है। इसके अलावा घरों में भी ताक झांक कर रही है, ताकि जो मिले उसे चोरी कर सके। यह नज़ारा श्रीराम कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है, जिसे नागदा टाइम्स आप लोगों की सावधानी के लिए दिखा रहा है कि बदमाश अब साधारण नहीं बल्कि हथियारों से लैस रहते हैं। आपको बता दें कि 29 जुलाई को रात 3 बजे श्रीराम कॉलोनी निवासी अजय राव के मकान के बाहर रखी बाइक को बदमाशों ने चोरी किया। अजय राव ने थाने में इसकी सूचना भी दी थी, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर अजय ने क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज जुटाए, जिसमें 3 बदमाश गली में घूमते नजर आए। एक बदमाश के हाथ में दराता था तो दूसरे के पास पिस्टल थी, वहीं एक अन्य के हाथ में टॉर्च भी थी। बदमाश कॉलोनी के हर घर में टॉर्च की रोशनी डालकर देख रहे थे, यानी वह सुने मकान या वाहन को देख रहे थे ताकि जो उसकी चोरी कर सके। उन्होंने अजय राव के यहाँ से बाइक भी चोरी की। इसी तरह 30 जुलाई को श्रीराम कॉलोनी से ही बदमाश हेमंत जुनवाल की बाइक चोरी कर गए, वह भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। बदमाशों का हथियारों से लैस होना पुलिस जवानों के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि रात्रि गश्त या चौराहे पर ड्यूटी देने वाले जवानों के पास मात्र डंडा होता है। ऐसे में अगर बदमाश उनके सामने आते हैं और वह पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह पुलिस जवानों पर भी हमला कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन को जवानों की सुरक्षा के लिए रात्रि गश्त और चौराहे पर ड्यूटी के दौरान भी राइफल अनिवार्य करना चाहिए। गौरतलब है कि गुरुवार शाम को अप्रोच रोड पर सास से मिलने जा रही बहू संगीता पांचाल के गले से बदमाश मंगलसूत्र छीनकर भाग निकले थे। शुक्रवार को पुलिस ने चेन स्केचिंग करने के मामले में जांच करते हुए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, लेकिन बाइक की स्पीड तेज होने से बदमाश कैमरे में कैद नहीं हो पाए। अब पुलिस पुराने बदमाशों से पूछताछ कर रही है, ताकि कोई लिंक मिले और आरोपी गिरफ्त में आए।